अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। जिस रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं वो हमारे घर से तकरीबन 40-45 मिनट्स के फासले पर है। रेस्टोरेंट जाते हुए पहले हम बेस्ट बाय चले गए क्योंकि मेरी बेटी को गेमिंग पीसी लेना था। यहाँ पर हमने देखा कि इनके पास क्या क्या ऑप्शन है और फिर घर आके ऑनलाइन भी चेक किया। ऑनलाइन जो हमने चेक किए थे तो फिर उसी में से पसंद आया तो फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया। यहाँ से फारिग हो के अब हम रेस्टोरेंट जाएंगे। उसी रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं जिससे हमने लास्ट टाइम हलवा पूरी ऑर्डर की थी, तो हमने सोचा कि चलो आज इनका खाना भी ट्राई करते हैं। और इसी एरिया में हमारी सिटी का एयरपोर्ट भी है। यहाँ से जब हम अक्सर गुजरते हैं तो प्लेन रोड के ऊपर से गुजरती है। मुझे अंदाजा था कि आज भी प्लेन रोड के ऊपर से ही गुजरेगी, तो मैंने कैमरा पहले ही से रेडी किया था। और इसी एरिया में ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन लोग रहते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन शॉप्स भी है और हलाल मीट की शॉप्स भी ज़्यादातर यहीं पर होती है। हमारे एरिया में भी हलाल मीट की शॉप है मगर शुरू ही से हमने यहाँ से लिया है तो हम यहाँ आते हैं लेने के लिए। आप देख सकते हैं इनके डाइनिंग कितनी अच्छी है, हमें तो बहुत पसंद आई थी। बहुत ही क्वाइट और रिलैक्सिंग जगह थी। जिस टाइम पहुंचे थे तो लंच एंड डिनर के दरमियान का टाइम था, तो लंच का टाइम ख़त्म हो गया था और डिनर शुरू होने में अभी टाइम बाकी था, तो इसीलिए रश भी नहीं था। खाने में हमने बीफ स्टिक ऑर्डर की थी, चिकन कढ़ाई, बटर चिकन और एग प्लेटर था जिसमें चिकन टिक्का था, फिश थी और सीख कबाब और साथ में सलाद, चटनी और राइस भी थी। हमें इनका खाना बहुत पसंद आया और रेस्टोरेंट्स की निस्बत हर चीज़ बहुत ही मज़े की थी और देखने में भी अच्छी लग रही थी। Thank you.
और ये दूसरे दिन की वीडियो है, हम मॉल जा रहे थे फ़ोन लेने के लिए, तो उसकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। आज की वीडियो बस इतनी ही थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।